बनाने जा रही हूँ चावल के मुरमुरे, तो सबसे पहले मैंने चावल को 2 चम्मच पानी में नमक डाल के 1 कटोरी चावल भिगो दिए थे 10-15 मिनट के लिए। और अभी हम इनको रोस्ट करेंगे, ड्राई रोस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। ये मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें वो बड़े प्यार से और बड़े आराम से बना रही थी कोई बिटिया ये मुरमुरे, तो मैं भी देखती हूँ बनते हैं, या आज मैं इस वीडियो से फेल हो जाती हूँ देखकर जो भी मैंने देखा है। तो लेट्स गो। तो हमारे चावल रोस्ट हो गए ना, अब हम मुरमुरे बनाने की तैयारी करते हैं। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई ले ली है और ऊपर रख दी है छलनी। तेल गरम हो चुका है और उसने इसी तरह से थोड़े थोड़े करके चावल डाले थे, तो देखते हैं। तो मेरे तो ये नहीं फूले हैं, तो ये है हो गया है फेल। और मैं अब इन चावलों को अपने इन बच्चों के लिए बना देती हूँ।